जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से डेली डोज संख्या 306 में। आज तारीख है 2 अगस्त 2020 और जो भी करंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको स्टैटिक जीके से जोड़ करके हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। आज का पहला प्रश्न है, सिडबी ने किसके सहयोग से MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर है किबिल, CIBIL। सबसे पहला वर्ड है सिडबी, तो सबसे पहले देखते हैं SIDBI का फुल फॉर्म क्या है। उत्तर है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में कहें तो भारतीय लघु विकास बैंक। इसका हेडक्वार्टर क्या है? लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को। और इसके वर्तमान में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो उत्तर है मोहम्मद मुस्तफा। ठीक है, एक बात और भी ध्यान देंगे कि सिडबी को रेगुलेट कौन करता है या फिर इसको सुपरवाइज्ड कौन करता है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो सिडबी को रेगुलेट करने का काम RBI करता है। अब एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि एक टर्म हमने यहाँ पे यूज किया है MSME, तो MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, और MSME के बारे में जितना डिटेल आप जानना चाहेंगे पीछे के डेली डोज को जाकर के देखें। ठीक है, और पीछे के डेली डोज में मैंने MSME के बारे में आपको जानकारी दी हुई है। ठीक है, और एक बात और भी आपको बता दें कि आपके साथ जो भी हम करंट के प्रश्न के साथ जो स्टैटिक का प्रश्न लेकर के आते हैं वो स्टैटिक के प्रश्न पीछे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और इसी वजह से हम उन प्रश्नों को आपके करंट के साथ रिलेट कर देते हैं ताकि आगे उनके पूछे जाने की संभावना रहती है, तो आप उस प्रश्न को कभी गलत नहीं करेंगे। एक बात और भी यहाँ पे ध्यान देंगे कि सिडबी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूँ कि सिडबी ने ट्रांस यूनियन किबिल, अब जैसे ही किबिल आए तो पहले किबिल का फुल फॉर्म जान लेते हैं। ठीक, किबिल यानी CIBIL, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। अब उस लाइन को पूरा करते हैं। सिडबी ने ट्रांस यूनियन किबिल के सहयोग से वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, ये पूछ सकता है प्रश्न वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल किसने लॉन्च करा है, तो सिडबी ने किया है। ठीक, किसके सहयोग से? ट्रांस यूनियन किबिल के सहयोग से। एक बात और भी ध्यान देंगे कि इसे अगर ऑप्शन में ये ना दिया हो तो MSME भी अगर दिया हो तो वो भी सही होगा। किसने, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसे MSME ने भी लॉन्च किया है। ठीक, एक बात और भी यहाँ से ध्यान देंगे कि MSME के लिए MSME सक्षम कैसा मंच है, एक प्रश्न बनेगा, तो यह है एक व्यापक वित्तीय शिक्षा और ज्ञान का मंच है। ठीक, एक बात और भी ध्यान देंगे कि MSME सक्षम MSME को वित्त के लिए त्वरित पहुंच प्रदान करेगा, यानी इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, और उन्हें वित्तीय रूप से जागरूक और ऋण तैयार करके उन्हें सशक्त बनाएगा ताकि समय पर और सस्ती वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। MSME के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं की संयुक्त सूची में शामिल होगी, अर्थात उस पर केंद्र और राज्य दोनों मॉनिटर करेंगे। ठीक है, बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन किसने आयोजित किया? उत्तर है CII। तो सबसे पहले आप देखेंगे CII का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। क्या होगा? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। अब आते हैं कि इसे आयोजित किसने किया है, तो ध्यान देंगे आप, ये केंद्रीय वाणिज्य मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पीयूष गोयल। तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने देश में निवेश संबंधी निर्णयों के लिए एकल खिड़की अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यापार में आसानी हो इसके लिए CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो आपसे ये प्रश्न बनाया जा सकता है कि राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, अगर पोस्ट देता है तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और अगर नाम देता है तो पीयूष गोयल होगा। ठीक है, एक बात और भी ध्यान देंगे आप कि इसके तहत सरकार भारत के विकास के लिए उद्योग को सरकार के साथ साझेदार के रूप में आमंत्रित करेगा, और वैसे भी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन करने का एकमात्र लक्ष्य है, कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी। ठीक, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत ऑप्टिकल फाइबर्स को भारत में बढ़ावा देने के लिए मुख्य तौर पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 3 के तरफ।
पीएम मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। अब ध्यान देंगे कि ये जो हार्दिक सतीश चंद्र शाह हैं, ये अभी वर्तमान में कहा जाए, जब ये सचिव नियुक्त नहीं हुए उससे पहले ये पीएमओ में उप सचिव के पद पर कार्यरत हैं। और पीएमओ में कार्य करने से पहले ये कौन थे? तो पीएमओ में कार्य करने से पहले ये हमारे अभी जो वर्तमान में वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, कौन? प्रकाश जावड़ेकर। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर, उनके निजी सचिव थे, ठीक। और ये 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। एक बात और भी ध्यान देंगे कि पीएमओ का मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है। तो इस चीज़ को मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय आप बेहतर तरीके से समझते होंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 के तरफ। किस जिले को फरवरी से जून 2020 में समग्र डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान मिला है? उत्तर है बीजापुर छत्तीसगढ़। यानी बीजापुर का है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ से जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो पीछे के वीडियोज में जहां भी छत्तीसगढ़ आए हैं वहां मैंने उनको डिटेल में जानकारी आपको दी है। और इसीलिए हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी कोई भी टर्म अगर एक बार आए तो उसका इन डिटेल एक्सप्लेनेशन देने में हमें 2 मिनट का लगभग समय लग जाता है और उस चीज़ को रिपीट बार बार करना संभव नहीं है। क्योंकि अगर टोटल आपके डेली डोज में 20 प्रश्न होते हैं और सभी को रिपीट किया जाए तो वो वीडियो का लेंथ लगभग 40 मिनट से ऊपर हो जाएगा, जो कि आपके देखने के लिए भी पॉसिबल नहीं है और बनाने के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। किस देश के साथ भारत जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान आयोजित करेगा? उत्तर है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ये ऑनलाइनर प्रश्न है, इसे एज इट इज याद रखेंगे। अगला प्रश्न है पेटीएम मनी के सीईओ कौन है? उत्तर है वरुण श्रीधर। अब ध्यान देंगे कि पेटीएम मनी और पेटीएम, दो टर्म आप सुने होंगे, तो ध्यान देंगे कि पेटीएम के निवेश और धन प्रबंधन सहायक पेटीएम मनी के सीईओ कौन बने? वरुण श्रीधर। यानी कि पेटीएम का जो धन प्रबंधन सहायक है वो कौन है? पेटीएम मनी है, ठीक है। और ये जो वरुण श्रीधर सीईओ नियुक्त हुए हैं वो किसकी जगह पे हुए हैं? तो प्रवीण जाधव की जगह पे हुए हैं। किसकी जगह पे? प्रवीण जाधव की जगह पे। और ये प्रश्न अगर डायरेक्ट ना बन के इनडायरेक्ट बनना होता है तो यही बनता है कि पेटीएम के सीईओ वरुण श्रीधर किसकी जगह लेंगे, तो उत्तर होगा प्रवीण जाधव का, ठीक है। अब एक बात और भी ध्यान देंगे, ये जो वरुण श्रीधर हैं ये रिपोर्ट किसको करेंगे? तो ये जाकर के रिपोर्ट करेंगे अमित नैयर को। तो एक अच्छा प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि वरुण श्रीधर पेटीएम मनी के सीईओ बनने के लिए किसको रिपोर्ट करेंगे? उत्तर होगा अमित नैयर। पेटीएम के संस्थापक कौन रहे? विजय शेखर शर्मा। और हेडक्वार्टर का है नोएडा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? उत्तर है दक्षिणी फ्रांस, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर है 50। और मैंने एक बात ध्यान दिया होगा आपने कि मैंने पूछा था कि भारत, पिछले डेली डोज में मैंने पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है, कौन सा है, तो उसका उत्तर था नागार्जुन श्री सैलम। और जैसे ही नागार्जुन श्री सैलम में नागार्जुन वर्ड है तो एक बांध आपने पढ़ा होगा, नागार्जुन सागर बांध, ठीक। किस नदी पे? कृष्णा नदी के तट पे। और इसको याद करने का आप ट्रिक बना सकते हैं कि जो अर्जुन के सारथी थे वो कौन थे? कृष्ण थे, ठीक। तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 के तरफ। अंबाला एयरबेस किस राज्य में स्थित है? तो अंबाला एयरबेस है हरियाणा में। अब जैसे ही हरियाणा आता है तो मैंने कहा था आपको कि आपको याद आना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि हरियाणा से रिलेटेड प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 7 से 8 बार तक मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा है प्रीवियस ईयर के। तो ध्यान देंगे कि हरियाणा जैसे ही है आपको राखीगढ़ी और बनवाली जो सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई के दौरान प्राप्त स्थल हैं वो नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। और अगर आप और इन डिटेल चाहते हैं तो एक काम करें कि राखीगढ़ी की खुदाई किसने कराई थी, बनवाली की खुदाई किसने कराई थी, उसको जाकर के आप जो साइड बुक आपके पास है या फिर गूगल का सहायता जरूर लें। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 के तरफ। हरियाणा सरकार ने किसे खेल एवं युवा मामले में उप निदेशक नियुक्त किया? उत्तर है बबीता फोगाट एवं कविता देवी। और ये दोनों क्या है? दोनों पहलवान है। और इन दोनों ने हरियाणा गवर्नमेंट को
क्या किया था, अपना रिज्यूमे दिया था इसी के लिए। तो अब हरियाणा की गवर्नमेंट ने इन दोनों को क्या करा है, नियुक्त कर लिया किसके पोस्ट पे, उप निदेशक। ठीक है, अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि कुछ फैक्ट्स हम हरियाणा से जानने का प्रयास करते हैं, जैसे कि हरियाणा के वर्तमान में गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। और अभी हाल ही में कहाँ के गवर्नर की मृत्यु हुई है, मध्य प्रदेश के, कौन थे, लालजी टंडन। और उनकी जगह पे किसको रख, कौन उनका, उनकी जगह पे आई हैं, तो आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल अभी कहाँ कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। ठीक है, अब एक बात और भी आप देखेंगे कि हरियाणा की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को। और जैसे ही हरियाणा आए, तो एक बात और भी याद आना चाहिए आपको, पानीपत का युद्ध, और पानीपत के तीनों युद्ध हरियाणा में ही लड़े गए। ठीक, अब जैसे देखिए पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। जैसे पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, डेट सहित याद रखेंगे, किसके किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी हार जाता है और यहीं से बाबर भारत में क्या होता है, मुगल वंश का जो परचम लहराना शुरू होता है। ठीक, अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि दूसरा युद्ध कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 को, किसके किसके बीच, बैरम खां और हेमू। चूंकि उस समय अकबर नाबालिग था, ठीक है, और अकबर के संरक्षक कौन थे, बैरम खां, यानी कि अकबर के सेनापति भी कहें तो कौन थे, बैरम खां। तो इन्होंने युद्ध करा था और उसी युद्ध में विजय के उपरांत अकबर को क्या किया गया था, राजा घोषित कर दिया गया था, यानी वहां का शासक घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अगला तीसरा युद्ध कब हुआ था, 14 जनवरी 1761 को, किसके किसके बीच, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें मराठाओं की हार हो गई थी। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको 10 प्रश्न संख्या 10 से प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप भी लिंक करें, और मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को एज ए स्टूडेंट देखा है कि क्वेश्चन के लिंकिंग कहाँ से होते हैं, और एक सही तरीका ये पढ़ने का। तो जब भी आपको कोई नाम आए तो उससे रिलेटेड 2-3 फैक्ट जो भी आपके दिमाग में चल रहे हो उसे लिंक कराइए, और वही आपके स्टैटिक जीके को स्ट्रांग करने का काम करेगा। साथ ही साथ करंट पे वो बोनस होगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि करंट तो आप पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ स्टैटिक जीके के भी प्रश्न आपके तैयार होते जा रहे हैं। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 के तरफ। अब तक का सबसे बड़ा रोवर परसेवरेंस मंगल ग्रह पर किसने भेजा है, उत्तर है नासा। अब जैसे ही नासा वर्ड आया, NASA, तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और मैंने नासा से संबंधित आपको बहुत सारे फैक्ट्स पीछे के वीडियोस में भी बताए हैं, और यहाँ पर मैं जो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका नाम बता देता हूँ। ठीक, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, जिम ब्रिडेनस्टाइन। कौन है, जिम ब्रिडेनस्टाइन, और हेडक्वार्टर का है आप सभी को पता है, Washington DC USA, क्योंकि मैंने इस चीज़ को पीछे के डेली न्यूज में बताया हुआ है। ठीक, अब एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि इसमें मैंने कुछ टर्म्स यूज किए हैं, जैसे प्रजर्वरेंस मंगल ग्रह पर कितने भेजा है। ठीक, तो आप आइए इसको फिर से देखते हैं, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो ULA। तो ध्यान देंगे, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस एवं रॉकेट के साथ मंगल 2020 प्रजर्वरेंस रोवर मिशन लॉन्च किया। ठीक है, यानी इस मिशन का नाम क्या था, Mars 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन। ठीक है, अब एक बात और भी ध्यान देंगे, ये फ्लोरिडा के केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन पर स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से यह मिशन शुरू किया गया। तो कभी कभी पूछ देता है जो एयरबेस होता है उसके बारे में, या फिर एयरफोर्स स्टेशन होता है उसके बारे में, या फिर वो स्पेस लॉन्च कहाँ से करा गया उसके बारे में। तो आप याद रखेंगे ये फ्लोरिडा में कौन सा जगह है, कैप केनावेरल। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों में की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है, उत्तर है रूस। अब जैसे ही ब्रिक्स का नाम आया, मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने जो पीछे ब्रिक्स के बारे में बताया है वो याद होगा। ठीक, तो ब्रिक्स में टोटल कितने देश, 5 देश हैं। ठीक है, और आप ब्रिक्स के बारे में पीछे के डेली जा करके, और उसके बारे में कब लास्ट में साउथ अफ्रीका जुड़ा था, कब जुड़ा था, वो भी मैंने बताया, उसे भी जा करके देखें। ठीक है, और यहाँ पर जो ब्रिक्स की बात है,
उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे यहाँ कहा गया है कि ब्रिक्स देश के पर्यावरण मंत्रियों ने, तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, ठीक है, तो कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। ठीक, अब आइए इस प्रश्न को देखते हैं कि इस ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक का जो आयोजन किया गया था, ठीक, वो किसने करा था, रूस ने, और इसमें जितने भी सदस्य देश भाग लिए थे, ठीक, यानी कि जो भी ब्रिक्स के सदस्य देश थे उनके पर्यावरण मंत्रियों ने ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया था। क्यों, क्योंकि कोविड की वजह से कोई कहीं जा तो सकता नहीं है। ठीक, अब एक बात ध्यान देंगे कि 2020 की तो बात हमने कर दी, 2021 में मेजबानी कौन करेगा, तो ये प्रश्न हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता 2021 में अपना देश भारत करेगा। ठीक है, एक बात और भी ध्यान देंगे कि 2020 में जो ये वर्चुअल बैठक हुई थी उसमें बात किया हुआ भारत की तरफ से, तो भारत ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 2019 में जो एक मिशन चलाया था, क्या, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु, उसके बारे में भारत के जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री गए थे, कौन, प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने अपनी बात रखा। ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने वायु प्रदूषण से संबंधित बातों को उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया। मुझे लगता है इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न के लिए सफिशियंट है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 के तरफ, 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा, उत्तर है भारत, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया। अगले प्रश्न संख्या 14 के तरफ बढ़ते हैं, 53वें यानी 53rd बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में पी हरिकृष्णा किस स्थान पर रहे, उत्तर है दूसरे स्थान पर। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 15 के तरफ, अमेरिका का कौन सा स्थल 5 अगस्त को श्री राम के रंग में रंगीन होगा, उत्तर है टाइम्स स्क्वायर, और ये प्रश्न एज इट इज याद करने लायक है। अगला प्रश्न संख्या 16, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक हर बच्चे को शिक्षा सुनिश्चित की गई है, उत्तर है 2023, और नई शिक्षा नीति के बारे में मैंने इसके ठीक पहले यानी जो 1 अगस्त को वीडियो बनाया है, ठीक, उसमें मैंने इन सभी चीज़ों को, जितनी भी प्रश्न बन सकते हैं नई शिक्षा नीति से संबंधित, ठीक, उन सभी चीज़ों को डिस्कस करा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पीछे वाले डेली डोज में जाकर प्रश्न संख्या 7 है, ठीक है, उससे जाकर के पूरा देखें, जहाँ से कि आपका नई शिक्षा नीति जो आई है, जो 1986 में आई थी और उसको 34 साल बाद इम्प्लीमेंट किया गया कुछ संशोधन के साथ, तो उसमें आप पूरी जानकारी जान सकेंगे। और नई शिक्षा नीति हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स में जरूर प्रश्न बन के आएगा। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ, नई शिक्षा नीति में 9वीं एवं 12वीं की पढ़ाई की रूपरेखा कैसे होगी, तो 5+3+3+4। अब ये है क्या कि जैसे 3 से 8, तो ये 3 से 8 हो गया, वो 5 साल का गैप, फिर 8 से 11, ठीक है, और फिर 11 से 14, और फिर 14 से 18, यानी 18 साल तक आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना है। अब तो ये रहा इसकी जानकारी, अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं, नई शिक्षा नीति में वोकेशनल शिक्षा किस क्लास से शुरू होगी, उत्तर है स्टैंडर्ड 6 से। ठीक है, तो ये जानकारी थी नई शिक्षा नीति के तौर पे, और नई शिक्षा नीति की जानकारी आप पिछले डेली रोज से और भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जान सकते हैं। तो हमने पिछले रोज आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा बाघ संरक्षण यानी टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है, तो उसका आंसर होगा नागार्जुन श्री सैलम। और आज का प्रश्न आपके लिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति की अनुशंसा है, इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पिछले डेली को अगर आप देखते हैं तो वहां से मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर कमेंट करके और जवाब हमें देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले डेली में, तब तक के लिए जय हिंद।